फिलहाल सीधा रुख करेंगे चंडीगढ़ की ओर, जहां सिद्धू की ताजपोशी कांग्रेस भवन में कार्यक्रम का आयोजन। कैप्टन और हरीश रावत मंच पर मौजूद है। और साढ़े नवे नियुक्त प्रधान साहब नवजोत सिद्धू जी, सारे सबका पीसीसी के प्रधान साहब, सारे सबका मुख्यमंत्री साहिबा, और आज जिहड़े आज इत्थे शोभ सारे मेरे वीरो भैणो, तुसीं दूर दूर तो आए हो, बहुत अज थोड़े शुक्रगुजार है। मैनू भी ये तीन चार जिहड़े अपने वर्किंग प्रेसिडेंट साहब नियुक्त किए ने, साडे प्रधान ने सोनिया जी ने, कुलजीत नागरा जी, संगत सिंह जी गिलचिया, सुखविंदर डैनी जी, पवन गोयल जी, उन्होंने भी बहुत बधाई होए, थोनू भी बधाई होए नवजोत जी, क्योंकि तुसी कारोबार सारे पंजाब का तुसी अगले साडे पार्टी का चलाना है, और कोई छोटी गल नहीं होंगी। पंजाब दे विच समस्यावां बहुत ने, नहीं आ रही है आवाज, नहीं आ रही, नहीं सुनते, नहीं क्या देखो कुछ नेड़े, तो फिर हुण आ रही है हुण, ओके गुड गुड। पहली गल तो मैं जिहड़ी गल कहना चाहुंदा है कि डॉक्टर साहब और मैं बहुत साल, चार साल असी इकट्ठे रहे हैं, जिन्ना इन्होंने प्यार दिता मैनूं, मेरी कोशिश हर वेले रही कि जैसे कबीर नूं प्यार दिंदे आ उही प्यार दिता मैं उन्हां नूं, और इन्होंने कदे भी ना नहीं की किसी गल, मेरे ते कह रहे ने कि मैं ना नहीं की, असल मैं इन्हां नूं कहने पूरी कोशिश इन्होंने की थी। समय लंघ जांदा है, लोगों की आशावां बंदियां ने, ते फिर थोड़ी देर बाद लोग कहण लग जांदे ने कि किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं तुम दस रहा जिन्हें इन्होंने किया है, और जो प्राप्त पंजाब दे विच प्राप्तियां हुई ने, कोई हुकूमत नहीं पहला उठ के कह सकती कि असीं किया, चाहे अज मैं बलबीर जी नूं देख रहा सामने बैठे, कोविड का मसला ये, और सोनी साहब कितने हो तुसीं बैठे, सोनी साहब ने मेडिकल एजुकेशन वालों, इन्होंने हेल्थ वालों, जिस तरीके साड़ी कोविड की जंग लड़ी, मेरा ख्याल पंजाब नंबर एक से इस काम च आया है, साढ़े लोग काफी इस बीमारी के मरे, 16,000 के करीब पंजाबी मरे ने इस बीमारी, लेकिन इन्होंने दिन रात ये दोनों ने अपने काम किए ने, और असं सारे शुक्रगुजार हैं। इस वेले 56 साढ़े नवे केस आए हैं, और सिर्फ 2 मौत हुई हैं, जिते 300-400 मौत डेली होंगे सी, और वाहेगुरु करे तीसरा फेरा जिहड़ा कहिंदे ने कोविड दा कोई ना आवे साडे, लेकिन असीं तैयारी पूरी कर रहे ने, इह कर रहे ने, और मेडिकल एजुकेशन कर रहे ताकि आ काम अगे ना हो, इह तां पहला सामना सानूं करना पिया। दूसरा साडी एजुकेशन, सिंगल साहब कित्थे उठी आ बैठे ने, पूरे हिंदुस्तान दे विच नंबर एक प्राइमरी एजुकेशन विच पंजाब नूं नियुक्त कीता गया, और ओदे विच यही नहीं 3 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों नूं छड़ के साडे इन्हां दे स्कूल गवर्नमेंट स्कूलों दे विच आए ने, जिथे असीं पूरी कुछ किस्म कीती, इत्थे एजुकेशन कीती, छोटी गल नहीं होंदी कुछ, लेकिन यह कीता इन्हें। एग्रीकल्चर दे विच पंजाब नूं 1 नंबर ते नियुक्त किया गया, असीं पिछले साल जैसे कणक की पैदावार सी, पिछली बार मध्य प्रदेश सी, असीं फिर अगे निकल गए झोने दे विच, तो निकल जा 2% धरती पंजाब दी, और 2% साडे लोग, 2% तों घट वी लोग, इन्ना कुछ असीं प्राप्त कर बैठे। इह कहना कि गवर्नमेंट कितें पिछे रह गई, कोई गल्लां हो जांदियां ने, कई कानूनी व्यवस्था हो जांदी है, बरगाड़ी का जिक्र होया, कोटकपूरे का जिक्र होया, बेबलकणा का होया, ज्वारके का होया, यह सारिया गल्लां संबंधित ने कानून नाल, कानून दे विच ये सारे चलान पेश हो गए, अखीला जिहड़ा चलान सी और इन्होंने हाईकोर्ट को स्टेट ले लेता सी,
वो असी खत्म करा के परसों उहदा चलान भी पेश करवा दिता। यह समय लगता है, लेकिन मैं एक वादा किया सी पंजाब नाल कि असी कहे जी गल किसी नूं असी छड़नी नहीं। जिथे जिथे गल्लां कीतियां ने इन्होंने की कोशिश, बरगाड़ी का मसला इन्होंने सीबीआई नूं लेके भेजता और सीबीआई उत्थे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर रही थी, रखी बैठी सी उस बुक सुप्रीम कोर्ट तक जाके असी वापस लेके आए उस केस नूं और हुण उत्थे सारे चलान पेश हो। तो जदों लोग खेडां खेडदे ने ना, अंत विच लोगों ने इन्हों पछाण लिता है और तुसीं देखना अगले चोण कित्थे होगा, जिथे बादल रहना कितने मजीठा रहना कोई भी नहीं रहना, बिल्कुल खत्म हो जाना है। तो ये गल्लां एक ये ने। दूसरी गल जो सानू रल के लड़नी पऊ, नवजोत सुनो इत्थे लेणी लै। पहला तो मैं इन्हां मेरा दसदा मैं इन्हां दा रिश्ता की है। रिश्ता इन्हां दा ये है कि 1963 दे विच इहदा जन्म होया और 1963 विच मेरा IMA तो कमिशन होया और मैं चीन दे बॉर्डर ते पहुंचा सी। इन्ना फर्क है साडा। और फिर इन्हां दे पिता जी और मेरे माता जी कट्ठे रहे। वह 1900 वो अपने DCC दे प्रधान से पटियाले दे और इन्हां दे पिता जी उन्हां दे इक उदों इक्को जनरल सैकटरी हुंदा सी, इक जनरल सैकटरी से पटियाले दे DCC ने। फिर 1967 विच इंदिरा जी ने मेरे मदर नू लैके लोक सभा दे विच उन्हां दी इलैक्शन करवा के उत्थों जिता के लैके गए और इन्हां दे पिता जी प्रधान ने बन गए से पटियाले दे। और मैं जब 1970 फौज छड़ के आया तो मैनू उदों दस्या गया कि मैं मदर नू पुछया, कहिंदे कि तुसीं पॉलिटिक्स के अपना कदम चुको। मैं क्या मैंने तो कोई पॉलिटिक्स है तो पता ही नहीं है। कहते नहीं नहीं कोई तुम सरदार भगवान सिंह जाके मिलो। तो मेरा ख्याल पता नहीं किनिया बैठक असी कीतियां उन्होंने, मैंने इन्होंने घर च या मेरे घर च, और इन्होंने मैं कदम सियासत में वो लेके आए। ये साडा पिछोकड़ तो हूँ तो बड़े लगते हैं। उदों तो इन्ने इन्ने जब मैं जाता से इन्होंने घर च 6 साल की उम्र से 6 साल और इन्हें भजे फिर दे से उत्थे। हुण जिहड़ियां गल्लां आपां नूं करनियां चाहीदियां ने इस सियासत दे विच, असीं दोनों इकट्ठे चलांगे। आपां ने पंजाब दा बेहतरी सोचनी है, सिर्फ पंजाब ही नहीं, मैं इक गल तुहानूं दस्सां, पंजाब ही नहीं साडी जिम्मेवारी साडे देश वाल भी है। साडा 600 किलोमीटर बॉर्डर पठानकोट तो लैके फाजिलका तक पाकिस्तान दे नाल है। डेली उन्होंने उत्थे हथियार पहुंच रहे हैं, एमिनेशन पहुंच रहे हैं, RDX पहुंच रही है, ग्रेनेड पहुंच रहे हैं। किस वास्ते पहुंच रहे हैं? फिर दंगा फसाद इत्थे करना चाहते हैं। और ये पाकिस्तानी और चीनी हुण इकट्ठे हो गए और हुण तीजा इन्हां नूं साथी मिल गया जो